तो आज है डे टू और हम लोग करेंगे वही एक्सरसाइज जो काम ने कल दोहराई थी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं शुरुआत के वीडियो में आपको दो श्लोक पूरे पूरे अर्थ के सहित आपको कुछ ऐसे सिखाने वाला हूँ। और 8 बज रही है यार, सो के उठाऊँ, और सो के उठने से ही अगर मैं रीडिंग चालू कर देता हूँ तो थोड़ी सी आवाज़ जो है वो ऐसी लगती है कि मैं नशे में, तो ऐसा मत समझना कि मैं नशे में, मैं नींद में हूँ। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना कुछ टाइम गवाए। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2, तो आइए पढ़ते हैं। स्त्रियों के स्वाभाविक दोष अंधता, चाहो माया, मूर्ख, मलि, लोभिता, स्त्रियों के स्वभाव टिप्पणी करते हुए यह कह रहे हैं कि झूठ बोलना, साहस, मूर्खता, अत्यंत लोभ, अपवित्रता और निर्दयता ये स्त्रियों के स्वाभाविक दोष है। अर्थात स्त्रियों में ये प्रवृत्ति जन्म से ही होती है। वे अपने दुस्साहस में कोई भी ऐसा काम कर सकती है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आचार्य चाणक्य ने यहाँ नारी के स्वभाव का वर्णन किया है और मानते हैं कि सृष्टि की रचना में नारी का अक्षुण्य योगदान है, लेकिन जहाँ स्वभाव का प्रश्न है वहाँ ये दोष भी पाए जाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि नारी बुद्धिमान नहीं होती। आर्य शंकराचार्य ने प्रश्नोत्तरी में उल्लेख किया है कि द्वारों में एक नरकष्ट नारी, अर्थात नर का प्रधान द्वार या एकमात्र द्वार के रूप में नारी को उद्धत किया है। तुलसीदास ने कहा है कि नारी स्वभाव सत्य कभी कही, अवगुण आठ सदा उड़ रही। इन आठ अवगुणों से इसी श्लोक में गिनाए नामों का अनुवाद किया है, साथ ही सामान्य नियम को विशेष नियम प्रभावित करते हुए करते रहते हैं, क्योंकि नारी ममता, दया, क्षमा आदि का एकमात्र स्थान है। इसके बिना सृष्टि ही अधूरी है। अतः सीतराधा जी जब वह लक्ष्मी आदि में अवगुण ढूंढना अपने अभिव्यक्ता है, ये तो नारी के आदर्श हैं। और आचार्य शंकराचार्य ने स्त्रियों के जिन दोषों की उपचर्चा की है वो स्वाभाविक वृत्तियाँ हैं। आवश्यक नहीं है कि ये सभी स्त्रियों में पाई जाए। जीवन के सुख को भाग्यशाली को मिलते हैं। वज्रम भोजन शक्ति रक्ति शक्ति तर वरांगना विभव दान शक्ति न अल्प से तप फलम। यहाँ आचार्य चरण का कथन है कि भोज प्रदान, भोजन शक्ति, रति शक्ति, सुंदर स्त्री विभव तथा दान शक्ति ये सब सुख किसी अल्प तपस्या का फल नहीं होते। अर्थात सुंदर खाने पीने की वस्तुएं मिले और जीवन के अंत तक खाना पचाने की शक्ति बनी रहे, स्त्री से संभोग की इच्छा बनी रहे तथा सुंदर स्त्री मिले, दंपति धन धन संपत्ति हो और दान देने की आदत भी हो, ये सारे सुख किसी भाग्यशाली को ही मिलते हैं। पूर्व जन्म में अखंड तपस्या से ही ऐसा सौभाग्य मिलता है। अक्सर देखने में यह आता है कि जिन व्यक्तियों के पास खाने की कोई कमी नहीं है उनके पास उन्हें खाकर पचाने की समस्या नहीं होती। आप इसे यूं भी कह सकते हैं कि जिसके पास चने हैं उसके पास उनका आनंद उठाने के लिए दांत नहीं है, और जिसके पास दांत है उसके पास चने नहीं है। अभिप्राय यह है कि अत्यंत धनवान व्यक्ति भी ऐसे रोगों से ग्रस्त रहते हैं जिन्हें साधारण या सभी चीज भी नहीं पचती, परंतु जो व्यक्ति खूब है पुष्ट है तगड़े हैं जिनका जैसा जिनकी पाचन शक्ति भी तेज है उनके पास अभाव के कारण खाने को नहीं कुछ होता। इस प्रकार बहुत से व्यक्ति के पास धन दौलत और प्रभाव की कोई कमी नहीं होती, परंतु उनमें उसके उपभोग करने और दान देने की प्रवृत्ति नहीं होती। जिन व्यक्तियों में ये बातें समान रूप से मिलती है चाणक्य उसे उनके पूर्व जन्म के तप का फल मानते हैं। अर्थात उनका यह कहना है कि खाने पीने की वस्तुओं के साथ उन्हें पचाने की शक्ति, सुंदर स्त्री के रहने पर मनुष्य में संभोग की शक्ति और धन के रहने पर उसका सदुपयोग और दान की प्रवृत्ति जिस व्यक्ति में होती है वो बहुत भाग्यशाली होता है। इसे पिछले जन्म का सुफल ही मानना चाहिए। तो ये था भाई साहब आप लोग के सामने दो श्लोक प्रस्तुत करते हुए, और अब जो चीजें चलेंगी वो लोग आप लोग जानते हैं पिछली वीडियो को देखकर कि ये टाइमलेस पर चलेंगी। तो चलिए टाइमलेस पर करना शुरू करते हैं, और आखिरी का एक पेज, आखिरी का एक श्लोक आप लोगों के सामने वापस इसी पेंसिल के साथ रहेगा। पर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही मैं इसको मुंह में रखकर दो श्लोक बोलता हूँ और चीजें को अनुवाद करता हूँ तो मेरी आवाज अपने आप ही क्लियर होने लगती है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर आगे क्या होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज का आखिरी श्लोक, क्योंकि सारे श्लोक तो हो गए हैं टाइम लैप्स के ऊपर, पर ये जो आखिरी श्लोक है ये चलिए करते हैं इस पेंसिल की टेक्निक से।
मित्रता बराबर थी, समान सोचे फिर सेवा से सोचे वाणी से व्यवहार से स्त्रिया दुबे सोचे ग्रह। यहाँ से चाणक्य मित्रता व व्यवहार में समानता के स्तर पर शोभा का महत्व प्रतिपादित करते हुए कह रहे हैं कि समान स्तर वालों से मित्रता शोभा देती है, सेवा राजा की शोभा देती है, वैश्यों को व्यापार करना शोभा देता है, शुभ स्त्री घर की शोभा है। अभिप्राय यह है कि मित्रता बराबर वालों से ही करनी चाहिए, सेवा राजा की ही करनी चाहिए, ऐसा करना ही इन कार्यों की शोभा है। वैश्यों की शोभा व्यापार करना है तथा घर की शोभा शुभ लक्षणों वाली पत्नी है, जो कि कहा गया है कि जाहे का काम वही को साजे और करे तो डंडा बाज है, यानी जिसका कार्य है वही करे तो ठीक वरना प्रेरणा चाहिए नहीं रहता, सही नहीं रहता। तो आपको आज का ये जो वीडियो है और जो डे सेकेंड है वो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और आज में जो कहा है कि मित्रता बराबर की, तो आखिर ये मित्रता बराबर की यानी बराबर वाला क्या क्या आप लोग जानते हैं? और अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट कर मुझे भी समझाइए कि आखिर ये मित्रता बराबर की क्या है, क्योंकि भाई मैं तो किसी को भी फ्रेंड बना लेता हूँ। तो चलिए मिलता हूँ कल एक नए दिन के साथ और देखते हैं ये क्या डे बाय डे हमारी जो वॉइस है वो क्लियर हो रही है, क्या हमारे जो शब्द हैं वो क्लियर हो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इस एक्सपेरिमेंट के दौरान में।